तो वैसे आज मैं बात करने वाला हूँ लारावेल में कि कैसे आप टाइम स्टैम्प को फॉर्मेटेड डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और काफी हेल्पफुल है क्योंकि जब मैं कंपनीज में काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आप लोगों को तक पहुंचाता हूँ, ठीक है। और काफी हेल्पफुल होती हैं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे ये टाइम स्टैम्प दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा जो कि मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी है, मैं चाहूंगा इस टाइप के टाइम स्टैम्प को मैं कन्वर्ट करूँ एक सिंपल फॉर्मेटेड डेट में, लाइक यहाँ पे 21/11 हो, 29 हो, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक सेटअप ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मेरा एक यहाँ पर यूजर कंट्रोलर भी बना हुआ है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल न्यू है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपने सबसे पहले यूज कर लेता हूँ ऐप HTTP, और कंट्रोलर्स को इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यूजर कंट्रोलर, तो ये मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, बस डेट फॉर्मेट डेट नाम का एक राउट क्लियर करूँ बनाऊंगा, एंड देन उसी पर हम ये सब काम करने वाले हैं, ठीक है। तो राउट कॉलन कॉलन गेट, एंड देन यहाँ पर आप पास कर दें डेट स्लैश यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन गेट डेट, ठीक है। ये मैंने इतना काम किया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा एक, फंक्शन गेट डेट, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है कि कैसे आप इस टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट कर सकते हो डेट में, ठीक है। तो देखिए, आपके पास काफी तरीके होते हैं पर जो मेन होता है डेट टाइम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है डेट टाइम यूज करना होगा, जिसमें आप क्या करें, यहाँ पर आप जो है अपना टाइम स्टैम्प डालेंगे। टाइम स्टैम्प लाइक मैं यहाँ पे ये डाल लेता हूँ, कोई सा भी कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर ये मैंने टाइम स्टैम्प पास कर दिया, लाइक मान के चलिए डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो आप डेटाबेस में से जो टाइम स्टैम्प आ रहा है, आप ऐसा नहीं करें कि सब स्ट्रिंग लेकर के आप डेट निकाल लो टाइम निकाल लो, ऐसा नहीं। आपको सिंपल ये वाला मेथड यूज करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉलर डेट इज इक्वल टू न्यू, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया डेट टाइम का, ठीक है, सिंपल। एंड देन सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डेट टाइम है ना, इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्लास यूज करनी होगी डेट टाइम, ठीक है। तो वरना यहाँ पर जो है आपको एरर दे जाएगा कि क्लास डेट टाइम इज नॉट फाउंड। एंड देन आप क्या करें, यहाँ पर इको कर दें या रिटर्न करवा सकते हैं डॉलर डेट, एंड देन फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप। फॉर्मेट में आप पास कर सकते हैं लाइक वाई मंथ एंड डेट, ठीक है। अब आपका काम हो चुका है यहाँ पर, अब आप क्या करें, इसे रन करा सकते हैं। तो मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा अपने प्रोजेक्ट को एक बार, तो ऑप्टिमाइज करके एंड देन सर्व करूंगा मैं, एंड देन मैं यहाँ पर पास करूंगा डेट। तो देख सकते हैं आपको गाइज 21/11/29 मिल रही है जो कि डेट, और यहाँ पर क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम भी हमने डाला था। देख सकते हैं यहाँ पर मैं यूजर कंट्रोलर में जाता हूँ, पहले हमने टाइम स्टैम्प में पूरा टाइम डाला, लाइक मान के चलिए डेटाबेस से आ रहा है। अगर आप ओनली डेट टाइम ही चाहते हैं तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहता है बिगनर्स के लिए। और कंपनीज में यार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए इसे यूज करें, और आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आए तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।